Viewers, welcome to C2C News, and we have a very unique guest with us on the show Straightforward. Join me in welcoming Ramesh Solanki. Namaskar, sir. Namaskar. Straightforward के सभी श्रोताओं का वापस एक बार स्वागत करता हूँ और उनको एक बात शेयर करना चाहता हूँ. हमारे जितने भी गेस्ट हैं शो के ऊपर, उनकी कुछ यूएसपी है जिसकी वजह से हम उनको इनवाइट करते हैं. और उसी श्रेणी में आप देख रहे हैं, पहले रैने को हम लेकर आए थे, उसके बाद हम सैवियो को लेकर आए, और अभी हमारे साथ है रमेश जी. तो जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि हमारे सारे गेस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए. और वो जो भी उनके फिलॉसफीज है, उसको क्यों वो फॉलो करते हैं और उसमें क्या वैल्यू एडिशन है, ये हम एक एक शो के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे जानते जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवालों का सिलसिला रमेश जी के साथ. रमेश जी, लॉकडाउन का जो भी पूरा पीरियड था, उसके अंदर छोटे बड़े हर तरह के लोग जुड़ गए कोविड योद्धा बनकर सेवा करने के लिए सिटीजन्स का, नागरिकों का. उसमें आपने एक यूनिक रोल प्ले किया. तो ढेर सारे फोन कॉल्स, ढेर सारे रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो देखता रहता हूं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सभी को पहले जय श्री राम. कोविड की बात की आपने, कोविड ऐसी चीज थी जो किसी को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग को तो किसी को भी पता नहीं था कि ये पैंडेमिक कैसा होता है, क्या होता है. तो एवरीबॉडी वाज न्यू टू इट. जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तभी किसी को मालूम नहीं था क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, कितने दिन का होने वाला है, एंड इट वाज समथिंग वेरी न्यू. एक चीज पता था कि बहुत तकलीफ देने वाली. ओके, नाउ द स्टार्टिंग डेज में जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैंने लोकल पुलिस स्टेशन मिले गया था. वहाँ जो सीनियर मेरे दोस्त थे, उनको मैंने जाके सैनिटाइजर, फिर लाइक मास्क वगैरह दिए थे. ओके, और जैसे ही लाइक वो बाटा और हम लोग बातें कर रहे थे, देन ही शोड मी अ वीडियो वेयर एक बुजुर्ग को एक लड़का, यंग लड़का, बिस्किट देता है खाने के, एंड वो इतना भावुक हो जाता है कि उसके पैर छूटता है. सो इट वॉज अ वेरी टचिंग वीडियो. एंड देन आई लाइक ही टोल्ड मी कि हमारे एरिया में तो बहुत सारे लोग भूखे हैं, मतलब क्योंकि मेरा एरिया जो है वो इंडिया में मगर एशिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है. वहाँ सब होलसेल मार्केट है, वहाँ है प्रॉफिट मार्केट है, कपड़े की मंगलदास, ऐसी सारी बहुत सारी मार्केट है. तो अलग अलग स्टेट की, जैसे 5-7 स्टेट थे, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह के लोग हमारे वहाँ आके काम करते, जो दिन में मजदूरी करते थे, डेली वेज वर्कर्स, और रात को वही फुटपाथ पे सो जाते थे. जब कोरोना नहीं था तब उनकी वेजेज अच्छी थी और खाना पीना अच्छा मिलता था. एंड मुंबई इज अ सिटी वेयर लाइक नोबडी स्लीप्स हंगरी, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना एक टाइम आ गया कि वो लोग को भूखा रहना पड़ा. तो इट वॉज लाइक समथिंग विच आई कुडंट बेयर. तो अब मेरा लाइक एक मुद्दा और एक ऐसे मन में ठान लिया कि भले जागे भूखे मगर सोना भूखा नहीं चाहिए कोई. एंड देन वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग. अभी वो हमारे एरिया में देखते देखते कहते वो एक ट्रेंड शुरू हो गया कि बांटना है खाना. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड कि आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम जय पांडा जी ऑफिस के हमारे मेरे से थोड़ा दूर एरिया है सांता क्रूज, वहाँ 50-60 मजदूर है जो उनके साइड से है, एंड दे डोंट हैव एनी राशन और फूड और सम. तो आई सेड ओके फाइन, मैं खुद जाके राशन लेके उनको देके आ गया. एंड देन द ट्रेंड स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया, वी स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट एंड वी लाइक स्टार्टेड फुलफिलिंग. अभी जैसे जैसे दिन जाते रहे, रिक्वेस्ट बढ़ती गई और हमारे साथ लोग जुड़ते गए. इतने लोग जुड़ गए ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के कोई भी कोने से रिक्वेस्ट आती थी, तो हम लोग वी वर एबल टू फुलफिल दैट विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल. हमारा तो हो ही रहा था मगर हम लोग भी कर, हमको भी रिक्वेस्ट आ रही थी. पूरे दिन में कम से कम 18-19 घंटे हम लोग काम करते थे. इट वॉज लाइक काम इन सेटिस्फेक्शन मिलता था 18-19 घंटे काम करने में, 4-5 घंटे छुट्टे थे, मगर इट वॉज क्वाइट लाइक सेटिस्फाइंग थिंग कि हाँ चलो हम किसी के काम आ गए, कोई भूखा नहीं सोया. क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट आई उसमें से 99% रिक्वेस्ट फुलफिल हुई. तो कोरोना का एक पार्ट वो था कि हमको सिखाया कि हिंदुस्तान में लाइक वो दिलदारों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान एक है बिकॉज द कोरोना पीरियड. अच्छा,
एक और मैंने एक्टिविटी ऑब्जर्व करी है, मनीष मुंद्रा जी के साथ आप काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं काफी सालों से, और ये टाइम पर ऑब्वियसली बॉम्बे में अगर किसी को सपोर्ट चाहिए था ये काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपसे अच्छा सपोर्ट और कौन हो सकता था। तो ये उनका जो भी एडिशनल जो रिलीफ काम कर रहे थे, बी एट आईसीयू, हॉस्पिटल बेड, रेशन और दुनिया भर के जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर भी उन्होंने काफी सारे लोगों को बढ़ चढ़ के हेल्प किया, पीपीई किट्स उसमें, लेकिन कुछ फेक केस भी आते थे, तो ये सारी चीजें कैसे उसको मैनेज करने का ऑल ऑफ अ सडन? अगर कोरोना की बात हो और मनीष मुंद्रा भाई का नाम नहीं लिया जाए तो बात ही अधूरी रहेगी। एंड रोमित जी, आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, आप बॉम्बे बोलते ना तो मुंबई बोला करें, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए थे जब मैं स्टेशन मुंबई। एंड नाउ कमिंग टू मनीष मुंद्रा भाई, मनीष मुंद्रा भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, 8-10 साल से हम लोग साथ में, इज माय फ्रेंड, माय एल्डर ब्रदर, इज गाइड, इज फिलोसफी, इज एवरीथिंग। वो इज वन मैन हु विल गाइड मी टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रात को 2-3 बजे भी मैं अगर तुझे कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आई कैन कॉल हिम एनी टाइम। तो हमारा ऐसा रिलेशन था। जब एक कोरोना आया और लोगों की जब रिक्वेस्ट बढ़ती गई और डिमांड होती गई, तो मेरी मनीष मुंद्रा भाई से बात हुई कि भाई बहुत लाइक टफ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने मुझे खाली एक ही चीज बोला था कि भाई हम दोनों मिलकर जितना खिला सकते खिलाओ, आप कोई भूखा नहीं रहना, जितना खिला सकते खिलाते जाओ। एंड लिटरली दिस मैन, मुंबई में ऐसा कोई नहीं रहेगा गरीब इंसान जिसको मनीष मुंद्रा भाई ने खाना नहीं है, और ऑल ओवर इंडिया, नॉट मुंबई बट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एनजीओ थे या जितने भी लोग काम कर रहे थे, विदाउट एनीथिंग लाइक बायसनेस, नो लाइक कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने सबकी हेल्प की कि आप जाके जो भी कर सकते हो लोगों के लिए करो, इंडियंस के लिए करो, इंडिया के लिए करो। अपार्ट फ्रॉम फूड का तो एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला था, विच गवर्नमेंट शुड अप्रिशिएट, मनीष भाई ने उसको बहुत सारी लाइक टाइमली हेल्प कर दिया। देन कमिंग टू हिम, लाइक जब इंडिया में पीपी किट थे ही नहीं, पीपी किट लेने पड़ते थे, मनीष मुंद्रा भाई ने 50,000 किट बांटे इन द इनिशियल फेज। तो जो डॉक्टर्स या कोरोना वॉरियर्स थे जो अपनी जान पे खेल रहे थे, अभी जैसे आर्मी है उनके पास अगर बंदूक नहीं रहेगी तो कैसे लड़ पाएंगे, तो सेम थिंग पीपी किट का था कि डॉक्टर की जान बचाने के लिए मनीष मुंद्रा भाई ने दिन रात 24 घंटे काम करके वो पीपी किट बाहर से मंगाए, बांटे। ही हैड अ वेरी गुड टीम, उनकी टीम बहुत अच्छी थी, एंड पूरी इंडिया में जहां जहां जरूरत पड़ी हर जगह पे गए, यहाँ तक के मेरा नेटिव प्लेस है भावनगर, वहां भी उन्होंने भेजा। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी इंडिया में, डॉट अगर देखने जाए, इंडिया का मैप पे डॉट देखने जाएंगे तो मनीष मुंद्रा भाई ने वो जगह पे नहीं पहुंचा, या एक स्टेट ऐसा भी नहीं होगा कि जहां उनकी पीपीई किट या कोई भी मेडिसिन या कुछ भी नहीं पहुंचा। एंड स्पेशली फॉर मुंबई, व्हाट मनीष मुंद्रा भाई हैज डन, नोबडी हैज डन, अकेले ने पूरे करो, अगर कोरोना योद्धा की टीम बने ना तो ही विल बी कैप्टन अमेरिका जैसे, ही विल बी द कैप्टन ऑफ द, मतलब इतना काम किया वो बंदे ने, एंड विदाउट एनी रीजन, वो बस यार ने कोई से, और इसमें और वो सामने नहीं आ रहे, खाली लोगों को बोल रहे आप करते जाओ, और मैं मेरे उनसे जितना भी बना, मतलब बना मतलब बहुत कुछ बन गया, पैरेलल गवर्नमेंट जैसे खड़ा कर दिया उन्होंने, इवन द लीडर फ्रॉम पार्टी, इवन द लीडर वो आस्किंग हिम फॉर हेल्प, लाइक भाई हमको बेड चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इवन द गवर्नमेंट, तो लीडर जो गवर्नमेंट में है वो लोग उनको मैसेज करके मांग रहे थे, तो वो बंदे ने कितना काम किया, प्रूव करते हैं। राइट, इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, मनीष जी का जो एक यूनिक चीज है, मुंबई में जैसे आपने बोला काफी सारे हॉस्पिटल, मेरे को ध्यान है साइन हॉस्पिटल में पीपी किट्स का शॉर्टेज था तो उन्होंने भिजवाया था, उसके अलावा जो उन्होंने उसके अंदर एक इनोवेशन भी जो किया, जो रिलीफ वर्क था, जैसे कि वापी का कोई एक कंपनी है, वो बोर्ड का फोल्डिंग कोलैप्सिबल पेशेंट बेड्स बनाते हैं, वो बेड मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मनीष मुंद्रा भाई का नाम लेने जाए और लिस्ट देखेंगे कोरोना में क्या क्या किया है, तो सीरियसली कोई एक बंदा उसका आधा भी नहीं किया, आई कैन चैलेंज। फिर जयपुर का भी एक केस मेरे को ध्यान है, कोई वहां का पैडमैन करके कोई लड़का है, शायद माहेश्वरी या कोई, हाँ। उसको 10 लाख सैनिटरी नैपकिन दिए आगे बांटने के लिए, तो ये जो सोच है सिर्फ खाने पीने की, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ सैनिटरी पैड, खाना, बेड, वेंटिलेटर या कोई भी चीज बोलो, दवाई,
या कुछ भी चीज हो, मनीष भाई को रिक्वेस्ट आए तो मनीष भाई तुरंत कर देते थे। मुंबई का एक इश्यू बताता हूँ कि 1700 किन्नर थे, अभी जब कोरोना में बंद हो जाता तो किन्नर कहाँ जाएंगे और उनके पास खाना कहाँ से आएगा। एक मैसेज दिया मनीष मुंद्रा भाई को कि हम लोग 1700 किन्नर है और हम लोग को खाना नहीं है। ओके, नाउ 1700 किन्नर को खाना देना इज नॉट वन थिंग इजी थिंग। नाउ सेकंड थिंग, पूरे 1700 एक साथ नहीं थे, पूरे मुंबई और मुंबई के सबर्बन एरियाज में पूरे फैले हुए थे अलग, यहाँ 50 का 25 का 100। दिस गाय ओके, बस खाली एक मैसेज कर दिया कि करना है। उन्होंने 13-14 टन 14,000 kg ऑफ फूड ग्रेन, 8,500 किलो राइस, 3,500 किलो दाल, फिर आटा वगैरह सब रातों रात बोला देगा। और कल हम लोग ने मिलके ओके ही लाइक मैसेज मी एंड नेक्स्ट डे वी वर एबल टू सेंड दोस स्टफ टू दोस पीपल 1700 लोग। और एक बार नहीं, ऐसे बहुत बार किया, इवन धारावी, जहाँ धारावी में गवर्नमेंट के लोग भी जाने से डरते थे, वहां भी जब पता चला कि लोग भूखे हैं तो वहां भी 14-15 टन अनाज भी उन्होंने बांटा। तो लाइक लिटरली ही इज अ गॉड सेंड एंजल टू द इंडियंस इन दिस कोरोना। करेक्ट। Now we'll get into a more intrinsic discussion. The recent development in Maharashtra justifies why you resigned from Shiv Sena when this current government was formed. So, अभी जो भी हालत खड़े हो गए सबके सामने, देश के सामने, आपके हिसाब से अगले 2 महीने किस तरह से शेप अप होने वाले हैं? मेरे रेजिग्नेशन की बात लाई तो पहले मैं बताऊं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, ओके, कांग्रेस एनसीपी, कि उनपे एक टका भी भरोसा कर नहीं सकते। उनकी हिस्ट्री देखने जाएंगे तो हर टाइम उन्होंने टिकिंगे की है देशवासियों से भी और जो पार्टी के साथ गठबंधन किया उनके साथ भी। वो लाइक शिवसेना एक लाइक हिंदुत्ववादी पार्टी, कांग्रेस ऐसी पार्टी के साथ जाए दोगली पार्टी के साथ और गठबंधन करे तो कभी वो मेल मिलाप होने वाला नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द पार्टी हैज टू चेंज द आइडियोलॉजी। ओके, एक पार्टी का दबदबा रहेगा। वो बोलते हैं कि रिक्शा के जैसे चल गया, 3 टायर वाली रिक्शा की सरकार, मगर जैसे सब देख रहे हैं क्या निकल के आ रहा है। ओके, द थिंग दे हैव गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड। ओके, देन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, कोरोना का प्रॉब्लम है, हर चीज पे प्रॉब्लम है, तो क्या बोल सकते हैं। 2 मंथ इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी, पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सब। मुंबई पुलिस और सुशांत सिंह राजपूत केस, जो भी डेवलपमेंट है सबको मॉनिटर कर रहे हैं लोग मीडिया के ऊपर, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? मुंबई पुलिस इज द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड। ओके, उनका मतलब कोई ऐसे नोबडी कैन कैच द हैंड, ऐसे बोल सकते थे और बोलते भी है, बट इन सुशांत सिंह राजपूत केस देयर हैज बीन सम लैप्स। ओके, नाम खराब हुआ है। एक चीज है कि मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहेगी, आज शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, दे शुड वर्क लाइक इंडिपेंडेंट, किसी पॉलिटिशियन या पार्टी के दबदबे में आके काम नहीं करना, क्योंकि जहाँ आई एम नॉट सेइंग 100% दबदबा नहीं हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत भी दबदबा रहेगा, मगर 100% दिस इज नॉट डन फॉर द गुड फॉर द इमेज ऑफ मुंबई पुलिस और एनी पुलिस। And people are not blind. Okay, वो लोग देख रहे कि क्या हो रहा है ना। और दूसरी चीज के सुशांत सिंह राजपूत के केस में ना तो मैं भगवान हूँ, या तो ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, या ना मैं कोई बंदा हूँ कि जो हुआ, जब भी हुआ, कुछ भी हुआ था तो वहां था, तो आई एम नॉट द पर्सन टू कमेंट ऑन से, आई कैन जस्ट अज्यूम। कोई जब जैसे लोग बोल देते, आधे लोग बोल रहे सुसाइड हुई, आधे बोल रहे मर्डर हुआ, आधे कुछ भी बोलना, मतलब बोलना है तो बोलना, ऐसा नहीं होता है ना। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। हाँ, एक चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबसे बड़ा नुकसान उसकी फैमिली को हुआ है। ओके, ना मेरा हुआ है, ना कोई पार्टी का हुआ है, ना मुझे किसी का नहीं, उसकी फैमिली का। अगर उसकी फैमिली को लगता है कि कुछ गलत हुआ है हमारे बेटे के साथ, दे हैव ऑल द राइट टू आस्क फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी एंड एवरीबडी शुड हैव कोऑपरेटिव विद देम। मगर इधर उल्टा हो गया, इधर तो ईगो पे आ गया, कोई उनकी फैमिली को बुरा बोल रहा है, कोई जो मान कर रहे उनको बुरा बोल रहा है, तो ये एक ईगो इश्यू हो गया। I don't know what the outcome is going to be, but this has been not good for anybody in like Maharashtra government also and Mumbai police. And I hope agar kuch galat hua hai Sushant ke saath, to usko nyay milna chahiye. Koi bhi gunegar ho, agar hua hai, to usko insaaf milna chahiye aur jo gunegar hai usko saza milni chahiye. No matter who ever he is or he or she.
बीएमसी एंड गंगा रनौत ऑफिस डेमोलिशन, इसमें आपके क्या बोलना चाहेंगे? मतलब बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, बट द थिंग इज लाइक कमिंग टू द मेन पॉइंट, कंगना रनौत और ये जो इश्यूज हुए, कंगना रनौत ने आवाज उठाई थी सुशांत के लिए, कंगना रनौत रेज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके. I will not say that I support whatever she said about Mumbai or Maharashtra, because as a Mumbai proud Mumbaiker and Maharashtra, I will not bear insult of Mumbai. Like somebody calling it a POK or anything. वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एक बात है कि इमोशन में बैठ के आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता है. ओके, यू हैव टू लाइक, वो बोले ना जबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोलते रहे, ऐसा नहीं. शी शुड नॉट सेड दैट एंड आई डोंट सपोर्ट दैट दोस स्टेशन, बट शी एज अ सिटीजन डेमोक्रेटिक कंट्री है, शी हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चन, शी हैज द राइट टू रेज क्वेश्चन एंड आस्क. और वो अगर कुछ बोल रही है, शी इज अ बिग सेलिब्रिटी, बोल रही है तो सुनिए आप, उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी करिए या वॉट एवर हैज टू बी डन. मगर इधर भी वापस आप तूतू मेमे पे आ गए, कंगना कुछ बोल रही है, आप लीडर कुछ बोल रहे हैं, और मतलब आप क्या छोटे बच्चों की जैसे तू मैं करना शुरू करते, एंड वॉट इमेज आर यू पोर्ट्रेइंग? महाराष्ट्र शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, बाळासाहेब ठाकरे का महाराष्ट्र, ये औरतों का सम्मान होता है. सम्मान मतलब ऐसे सिखाया जाता है हमको कि औरतों का सम्मान करना है. मैं जब ट्विटर पे कोई मुझे गाली देता है औरत, और जब मेरे फॉलोअर उसको बोलते, तो मैं बोलता हूँ कि नो मैटर व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू अब्यूज ऑफ फीमेल. मगर इधर तो उल्टा ही हो गया, इधर तो गालियां बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, एंड देन बीएमसी गिविंग लाइक बीएमसी ने चलो दो दिन में नोटिस दे दिया और दो दिन में तोड़ दिया. चलो आई एम सेइंग गलत था, मतलब अगर इनलीगल था तो इतने टाइम से इनलीगल क्यों था, मतलब इतने टाइम से स्ट्रक्चर क्यों था इनलीगल, और अगर इनलीगल नहीं था तो क्यों तोड़ा था? तो एवरीबडी सबके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं. और बीएमसी पे इतनी जल्दी कार्रवाई, मतलब एक दिन में नोटिस देना, तीसरे दिन बुलडोजर चला देना, जेसीबी ला देना, और उसकी ऑफिस में कंगना रनौत की ऑफिस में सब कुछ इनलीगल था, आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया. मतलब बोलते ना कि किसी का घर बसाना बहुत मुश्किल होता है, वो आप देखिए तोड़िए मत इसे किसी के सपनों. एंड आपकी इमेज है बीएमसी रिचेस्ट बॉडी इन लाइक इंडिया, आप ऐसे मतलब बायस नहीं दिखता है ना कि दो दिन में नोटिस. बीएमसी के पास ऐसे लाखों करोड़ों कंप्लेंट पड़ी होगी कि इलीगल स्ट्रक्चर है. जैसे अभी दो दिन मैंने पढ़ा था कि भेंडी बाजार में दाऊद का पुश्तानी घर है, हाईकोर्ट ने भी उसको डेमोलिशन करने को बोल दिया 2019 में, और अभी 2020 अभी तक नहीं तोड़ा है. तो वॉट इज स्टॉपिंग यू पीपल फ्रॉम टेकिंग एक्शन? अगर एक्शन लेना है तो सब जगह पे लो ना, तुरंत तोड़ देना. मतलब आज कोई भी कुछ भी बोलेगा तो जाके आप बुलडोजर चला दोगे. मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर द बीएमसी ऑल्सो एंड एनीबडी, बदनामी हो रही है. अच्छा, आपने जिंदगी के काफी सारे साल शिवसेना पार्टी में दिए, अभी जो भी डेवलपमेंट हो गए उसमें, जो शिवसेना में अभी भी है अलग अलग लेवल पे उनके कैडर्स, तो उनका क्या मूड क्या है अभी? आई सीरियसली से के मुझे पता नहीं चल रहा है, आई एम वेरी कंफ्यूज व्हाट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ. इस छह महीने में क्या चेंज हो गया वो मुझे नहीं समझ रहा है. ओके, बिकॉज लाइक आई हैव वर्क फ्रॉम 98 और मुझे हमेशा यही हमको सिखाया गया था कि औरतों का सम्मान कीजिए, उनसे लड़िए. अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लाइक जब मैं पार्टी में था और एक एनआरआई औरत थी जिसके कुछ कंप्लेंट थी मुंबई के बीएमसी के बारे में, उसकी बिल्डिंग के बारे में, एंड शी हैड ट्वीटेड टैगिंग मी आदित्य साहब, और ये सब हमको टैग करके उसने डाला था. ओके, उनका इश्यू जो भी था, उनको उनकी गलती थी, वो जो फीमेल थी उनकी बिल्डिंग वालों की गलती थी, फिर भी हम लोग ने उनको हेल्प किया, वी सॉर्टेड आउट दैट इशू. नाउ दैट फीमेल इज कमिंग एंड लाइक प्रेजिंग मी इन द डीएम कि आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, मतलब सो एफिशिएंट वगैरह. एंड ऑन द पब्लिक टाइमलाइन शी इज कमिंग एंड अब्यूजिंग आदित्य ठाकरे. ओके, एंड शी इज टैगिंग अदर ऑपोजिशन पार्टी पीपल एंड शी इज क्रिएटिंग अ मैस. तो आई वॉज लाइक सीरियसली आई वॉज अपडेट के जब आप हम लोग को डीएम में तारीफ करिए और 12 के भी बोले आपका काम भी हो गया, तो आई लाइक कंसर्न थी आप क्या कर रहे हो करके, दिस इज नॉट डन, आपका काम हो गया, आप तारीफ कर रहे हो, आई वॉज लाइक अपसेट विथ ऑफ. खुद आदित्य साहब ने मुझे बोला था कि भाई आप यू काम डाउन, बिकॉज हमारी परवरिश ऐसी है कि हमको औरतों का सम्मान करना सिखाया है. हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज बाला साहेब ठाकरे के वंशज है, जो एक ही चीज बोलते थे कि औरतों का सम्मान करना, नो मैटर व्हाट हमको सम्मान करना ही है.
आप इमोशन में बैठे, मुझे पता है इमोशन में बह सकते हो, मगर हमको नहीं बहना है और हमको उनके सिखाए हुए मार्ग पे चलना है. तो आई डोंट नो व्हाई ही इज क्वाइट राइट नाउ. एंड सेकंड थिंग इज लाइक, एक और एग्जांपल दूंगा, जब तहलका ने हमारे लिए शिव सैनिक, जो मैं तो एक्स शिव सैनिक हो गया, हमारे लिए फिर भी आज भी मेरे लिए बड़ा साहब भगवान है और जितने भी शिव सैनिक है उन सबके लिए बाला साहब भगवान ही रहेगा और हमेशा रहेंगे. तहलका मैगजीन ने बाला साहब को टेररिस्ट घोषित कर दिया. ओके, चार टेररिस्ट के फोटो डाले, उसामा बिन लादेन, मसूद और एक कोई और था, और चौथा फोटो बाला साहब का ठाकरे का था. अभी बाला साहब ठाकरे का फोटो देख के मैं, मतलब सीरियसली आई वॉज लाइक क्या है ये, आई वॉज लाइक मतलब मुझे माई ब्लड वॉज बॉइलिंग एंड आई वॉज लाइक कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा इनके अगेंस्ट में. तभी भी मुझे आदित्य भाई ने बोला था क्या कि भाई काम डाउन और हम कोई मतलब ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो या कुछ भी हो, हम मतलब शांति से रहिए एंड नेचर विल डू जस्टिस. तो मतलब जब मैं था तब ऐसी सब बातें हो रही थी और अभी 6 महीने में क्या चेंज हो गया, कांग्रेस एनसीपी के साथ रह के मतलब लोगों को मारा, कल नेवी ऑफिसर को मारा, जो नेवी आर्मी और ये जो लोग है जिनकी वजह से आज हम है, अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग हमारे घर में सुरक्षित नहीं होते, बट बिकॉज ऑफ देम टॉपिंग उनको. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? या या, सो व्हाट आई एम सेइंग के लाइक जो मतलब ये यूनिफॉर्म के लोग हैं जिनकी वजह से हम हैं आज, उनको जाके मारना मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है. मेरा तो दिल टूट गया, मुझे हजारों मैसेजेस आए कि आप शिवसेना वाले थे, ये क्या हो गए, मगर क्या बोल सकते, दिस इज नॉट डन. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द पार्टी लीडर शुड लाइक टेक अ स्टैंड एंड से इनफ इज इनफ, तो शिवसेना ऐसी नहीं है और शिवसेना ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हाँ, शिवसेना की एक है कि शिवसेना जो है वो सब, मैं उनके साथ काम कर चुका, मेरे आज भी शिवसेना वाले मेरे भाई बहन ही है. वी आर ऑल इमोशनल पीपल, इमोशनल पार्टी से जुड़े हुए, हमारे लीडर से जुड़े हैं. शिवसेना के लिए ऐसा होता है कि जो पार्टी का मतलब लीडर का ऑर्डर, मातोश्री से जो ऑर्डर है पालन करना ही है. पर एक चीज याद रखिए कि ऑर्डर्स पालन करने हैं, मगर ये पार्टी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे फॉर्म हुए, वो बाला साहब ठाकरे ने फॉर्म किए, तो वो उन्होंने जो सिखाया वो ध्यान में रख के कुछ भी ऑर्डर्स फॉलो कीजिए. ऐसे ही नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर दीजिए, एक बार सोचिए, दिल से सोचिए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि 65 ईयर ओल्ड नेवल ऑफिसर पे हाथ उठाना बहुत गलत है. विद ऑल दीस थिंग्स राइट फ्रॉम द टाइम जब से पार्टी फॉर्म हुआ है और जो भी डेवलपमेंट हुए टिल यस्टरडे इवनिंग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ शिवसेना एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र? फ्यूचर आई कांट प्रेडिक्ट बिकॉज आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, बट इट इज सीरियसली डैमेजिंग द इमेज ऑफ शिवसेना पार्टी. आई डोंट नो कौन एडवाइस कर रहा है, मगर हर दिन सेल्फ गोल हो रहे हैं. मतलब आज कुछ गलत ऐसा होता है ना कि अगर गलत हुआ तो उसको सुधारा जाता है, सुधार देना चाहिए, मगर ये तो अगर आज चलो एक गलत है तो वो गलती छुपाने के लिए और गलतियां करते जाओ, गलतियां करते जाओ, कितनी गलतियां करोगे. और ये पार्टी फॉर्म हुई थी फ्रॉम जीरो स्क्रैच, बाला साहब ने फॉर्म की थी. इसकी इमेज खराब हो रही है, नाम खराब हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में. आज लोग मुझे बोलेंगे बायस है, बीजेपी में है, मैं कोई पार्टी के साथ नहीं, बट सीरियसली इट हर्ट्स एज ए एक्स शिवसैनिक कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. एंड फ्यूचर अगर आप ऐसे करते रहो तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, बिकॉज ये पहले का जमाना तो रहा नहीं कि आप अगर कुछ भी करते हो तो सामने नहीं आने वाला. अभी तो सोशल मीडिया है, सीसीटीवी है, या इतने सारे माध्यम आ गए, तो लाइक वी नो, एवरीबॉडी विल नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग. So it is not good for any party, not just Shiv Sena, मगर कोई party ऐसा करेगे वो सही नहीं है. Future bleak है. Do you think MNS will get advantage of this situation? Now that is up to MNS के वो क्या करके सामने आती है. Because घर पे बैठ के तो किसी का कोई फायदा होता नहीं, क्या होने वाला नहीं है. You have to do something. मतलब आके कुछ करना पड़ेगा ना. कुछ करेंगे तो ही सामने आएगा ना. इट इज नॉट लाइक अगर शिवसेना कुछ गलत कर रही है या बीजेपी गलत कर रही है तो तीसरी पार्टी का फायदा हो जाए. वो फायदा लेने के लिए, उठाने के लिए, यू हैव टू डू समथिंग गुड जो पब्लिक की नजरों में आए. कुछ अच्छा काम करो या कुछ अच्छी स्टैंड लो तो पब्लिक को फिर दिखेगा ना. वैलिड पॉइंट. तो डिपेंड अपॉन हाउ MNS गोज. वैलिड पॉइंट.
और एनी पार्टी, ऐसा नहीं है कि एमएनएसी, मगर कोई भी पार्टी अगर अच्छा करती है तो डेफिनेटली दे विल डू गुड. नो, ऑन अ मोर सीरियस थिंग, ड्रग्स हैव इमर्ज एज अ फोकल पॉइंट इन सुशांत सिंह राजपूत केस एंड नाउ लॉट ऑफ बिग नेम्स आर कमिंग अप. आई वांट टू नो योर इनपुट्स. आपने मुंबई को बहुत स्क्रैच से देखा है, तो इसको ड्रग्स फ्री अगर करना है हमारे को, क्योंकि जो जनरेशन, अभी की जनरेशन है और जो छोटे बच्चे हैं जो कल स्कूल कॉलेज में जाएंगे, उनका भी भविष्य सुधारना है, आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए ड्रग्स फ्री करने के लिए? ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, ये पूरा प्रोसेस रहेगा. यस, ऑब्वियसली. सी, इसमें ऐसा है कि खाली ड्रग्स, आप लोग बोलते कि ड्रग्स द बॉलीवुड में, ड्रग्स नहीं है, बॉलीवुड के खून में दाऊद है, उसको साफ करना पड़ेगा. क्योंकि जितनी भी मूवीज आ रही है या जो भी है, एक्स वाई ज़ेड फंडेड, ओके, और जो भी पैसा है ब्लैक का व्हाइट हो रहा है वो खुला है. लाइक अभी ये एक्स वाई ज़ेड हीरो की पिक्चर आ रही है, इंडिया में अच्छा नहीं गया, वो चाइना में जाके रिकॉर्ड तोड़ देती है. अरे जब वो चीनी लोगों को क्या हमारी भाषा समझती है, हमारी पिक्चर समझती है, आप किसको उल्लू बना रहे हो? आप खाली ब्लैक का व्हाइट ही कर रहे हो. इंडिया में थिएटर खाली पड़े और बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगे, तो दिस इज जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मतलब वो एक सिंडिकेट हो गया है, पूरा एक पूरा सिंडिकेट है जो साफ होना चाहिए. अभी ड्रग्स इज लाइक एवरीबॉडी, जैसे वो लोग खुद बोल रहे 80% 90% ऑफ द पीपल इन बॉलीवुड आर ड्रगिस्ट. अभी बीच में वीडियो भी आए थे सारे ड्रग्स पिक्चर, ये सब दो कौड़ी के चर्सी और ड्रगिस्ट लोग हैं. ओके, और इनको हम लोग हमारे हीरो मानते, हीरो हीरोइन, इनको सर पे चढ़ा के बैठते. एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, देयर इज नो नथिंग गुड इन बॉलीवुड. ओके, ये लोग हमारे पैसे लेके हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते, हमारे भगवान की, भगवान को भगाते हैं, भगवान को नंगा दिखाते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, गाने गाते हैं, हमारी आर्मी को रेपिस दिखाते हैं, ये कश्मीर को मतलब एक अलग ही एंगल से पेश करेंगे. मतलब ये बॉलीवुड इज जस्ट अ सिंडिकेट और ये चला कोई और रहा है. और ये सब जितने भी है ना, दो कड़ी के कठपुतली है ड्रगिस्ट, और इनकी कोई औकात ही नहीं है. तो इट शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और साफ सुथरा कर देना चाहिए पूरी बॉलीवुड को. दिस इज व्हाट आई थिंक. नो बिग नेम, स्मॉल नेम, सेलिब्रिटी कोई नहीं आना चाहिए. ऐसा है, जो गुनेगार है उसको सजा मिलनी चाहिए. जैसे वो सूरज पंचोली का नाम आया था रिया खान केस में, प्रेग्नेंट करके एबोर्शन करा दिया, मर गई लड़की, कुछ नहीं हुआ. महेश भट्ट का लड़का, वो हेडली के साथ राहुल भट्ट उसका दोस्त था, उसके इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, खुलेआम घूम रहा है, और उसका बाप जाके आरएसएस की साजिश है 26/11 दिखा रहा है, बुक का इनॉग्रेशन कर रहा है. ऐसे लोगों को हम लोग खुलेआम घूमने देते हैं. दिस शुडंट बी डन. ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया और इंडियंस. कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. Somebody has to take a stand और सच बोलना सीखना चाहिए हम लोगों को. हाँ, मैं अगर सच बोलता हूँ, कौन क्या सोच रहा है वो छोड़ देना चाहिए. सच है वो सच है. We come to the last question of straightforward show today. You are part of the, you are the founding member of Hindu IT Cell. मैं जानता हूँ इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि काफी दिनों से, काफी सालों से कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं वो अलग थलग पड़ जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ लीगल एडवाइस की, लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. इसलिए आपने ये जो बॉडी बनाई है हिंदू आईटी सेल, ये काफी कारगर सिद्ध होगी. इसमें आपके क्या थॉट्स जब आप इसके फाउंडिंग मेंबर बने, और इसको आगे किस तरह से और इसकी नींव स्ट्रॉन्ग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का क्या प्लान है आपका? Before come to Hindu IT, sir, I'll talk about social media. दो मिनट में बात कर लो. Social media जब आया, it is a boon. Like पहले कैसे था, media थी, जो भी बोलती थी सच मान लेना पड़ता था, गलत दिखाए तो भी सर. But social media is a parallel media, जो media को counter करते हैं, उनका झूठ मतलब उजागर करते हैं. And it is very good for the generation. Future is social media है. आप देखने जाएंगे तो अभी मैं और हम लोग दो तीन चार जन थे जो ऐसे केसेस करते थे, कुछ भी गलत हुआ तो केस करते थे, या वी यूज टू फील के ये होना चाहिए. जैसे टीम 07 थी, वो इतनी फेमस थी टिकटॉक पे, उनकी 60 मिलियन फॉलोअर्स है पांच जन. उन्होंने एक वीडियो बना दिया तबरेज अंसारी पे. अभी तबरेज अंसारी चोर था, एक इंसिडेंट हुआ उसके साथ, लोगों ने उसको मारा एंड नारे लगाए, व्हाटएवर मारा वगैरह, वायलेंस वी आर नॉट जस्टिफाइंग, मगर चोर था. अगर आपके घर पे चोर आता है तो स्वाभाविक है कि आप मारोगे उसको, पकड़ोगे,
पुलिस के हवाले करेंगे, वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट, बट आई एम सेइंग आप लोग उसको थाली में कुछ आरती वगैरह तो नहीं करोगे, उसको आप वीडियो बनाएंगे तबरेज अंसारी बेकसूर सा और उसके बच्चे जब बड़े होके बदला लेंगे तो अब आतंकवादी मत बोलना और ये मत करना, तो दैट वीडियो वॉज जस्टिफाइंग वायलेंस, दैट वीडियो जस्टिफाइंग टेररिज्म, और वो दुश्मनी करवा रहा था। मैंने वो वीडियो टाइमलाइन पे देखा ट्विटर पे, मुझे लगा कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लेनी चाहिए, मैंने जाके कंप्लेंट की उसके अगेंस्ट में, मुंबई पुलिस को टैग किया, मुंबई कमिश्नर को टैग किया, एंड वेरी स्विफ्टली दे अंडरस्टूड द इशू कि ऑलरेडी तबरेज के नाम पे 19-20 राइड्स हो गए थे इंडिया पे और कंटिन्यू था वो, तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, ये वीडियो को अगर वायरल हो गए तो 60 मिलियन फॉलोअर्स, अगर उसमें से 5-10-25% बच्चे भी अगर वो दिमाग में ले लेते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता इंडिया के लिए, जो इतनी बड़ी मतलब घातक चीज होती है कि वी कुडन्ट इवन इमेजिन। मैंने उन पुलिस वाले और जुडिशियल सबने सही समझा, केस हो गया। अभी जब केस हो गया तो उनके आईडीज गए, ओके, उनको उनके ऊपर एफआईआर वगैरह हो गए, मगर एक चीज थी कि उनके साथ ऐसे लोग भी आ गए जो पॉलिटिक्स में थे, एक समाज आके साथ में खड़ा हो गया कि हमारे बच्चों पे गलत, अरे गलत और सही की बात है इधर, हमारे समाज या हमारे रिलीजन की बात नहीं है, मैंने समाज के लिए सही किया था, मैंने इंडिया के लिए सही किया था, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखने गया था, मैं खाली देखने गया था कि इंडिया में राइट्स नहीं होने चाहिए, इंडिया में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने केस किया था। मैं सही था तो भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, और वो 5 गलत थे तो भी उसके साथ पूरी समाज खड़ी हो गई, मोस्टली लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड ऑल कम, मेरे को धमकियां दे रहे, मेरे नाम पे वीडियो बना रहे, रमेश सोलंकी रस्ते पे आएगा तब ऐसा वैसा, तो मैं बोला जो भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सही हूँ, ओके, एंड देन लाइक ठीक है सबने फिर समझ गए एंड इट्स लाइक वेंट डाउन। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठे थे एंड देन लाइक आई फाइल केसेस अगेंस्ट वेरी फ्यू मेनी पीपल, लाइक जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का, बिकॉज एक ट्रेंड हो गया है कि हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भावना का, आप कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोलो, इज्जत उड़ाओ या कुछ भी करो, तो देयर इज नोबडी टू टेक एक्शन। अगर बाकी धर्म के बारे में आप कुछ बोलोगे तो गला काट देंगे या 10-12 लोग मर जाएंगे, या तो पूरे शहर के शहर जला देंगे, पुलिस स्टेशन जला देंगे, और जैसे चर्च पे किसी ने पत्थर मारा तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट को आके वो एक टेररिज्म एक्ट की घोषित कर दिया, बड़े आईपीएस ऑफिसर आके बोले तो इंडिया इज बिकम इनटॉलरेंट, पत्थर मारा था किसी ने, तो वैसा ही होता है। बाकी धर्म के लिए तो सब आ जाते और हिंदुओं के लिए तो कोई खड़ा भी नहीं होता। अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो भी पुलिस जुडिशियरी डजंट इवन टेक नोटिस ऑफ द थिंग, वी हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मी बीइंग इन चिपचिना, okay, even being so much inflation, I had to run for 5-5, 6-6 months, मेरी complaint को FIR कराने के लिए, तो मुझे समझता था ये सब चीजें बहुत मतलब भारी पड़ती है, but यो घर पे बैठ के चुपचाप बैठने वालों में से तो मैं नहीं था। Now, ये क्या हुआ कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामायण और महाभारत वगैरह दे ब्रॉट इट ऑन द टीवी, अभी जैसे जैसे ये आया तो उनके हमारे भगवान के ऊपर देवी देवताओं पे मतलब गंदे वीडियो, वल्गर वीडियो, डेरोगेटिव कमेंट, ये वो पेजेस वगैरह बनना इतना शुरू हो गया कि देयर वाज नो लिमिट। एवरी डे सुबह उठो तो ये रिक्वेस्ट के साथ 10-20-25 ऐसे मैसेजेस आते थे कि नंगी देवी देवताओं के फोटोज आ जाते, वीडियो आ जाते, मतलब दिन की स्टार्टिंग। अभी देवी देवता को हम लोग हमारे माँ बाप मानते, अभी उनके नंगे फोटो सामने खड़े आके सामने आ जाए आग क्या, तो पूरा दिन खराब हो जाता था। तो आई स्टार्टेड फाइलिंग कंप्लेंट्स, ओके, ना अभी मैं कितनी कंप्लेंट कर सकता हूँ, एक जन या दो जन या तीन जन। तो मेरे परम मित्र है, मेरे भाई है विकास, विकास पांडे दिल्ली से, हमारी दोनों की बात हुई एंड ही वॉज लाइक हम लोग कितना, 2-3 जन कितना करेंगे, तो वाई नॉट, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग है या एनी मतलब जो भी है एक चीज में साथ देना चाहते दे सकते, वी फॉर्म अ टीम। और ऐसे करके हम लोग हिंदू आईटी सेल खोला, उसमें 10-11 लोग हैं हमारे पास, स्टार्टिंग जो हमारी कोर टीम है उसमें 10-11 लोग हैं, उसमें दो तीन लॉयर्स हैं, 3-4-5 रिसर्च वाले हैं, फिर जो ड्राफ्टिंग करते, ऐसे करके हमारी 11 जन की टीम है, विकास एंड मी आर द फाउंडर मेंबर, बाकी हमारे 8-9 जन हमारी कोर टीम में। वो कोर टीम के बाद हमारे पास 500-600 लोग और ज्वाइंट हो गए, और अभी तो ज्यादा ही हो गए जो कंप्लेंट्स करती है। अगर कोई भी ऐसे इश्यू आया तो हम लोग उसके ऊपर पहले रिसर्च करते, कोई भी हमको फॉरवर्ड करता है कंप्लेंट्स कि इसने ऐसा बोला या इसने ऐसे पोस्ट किया, तो हम लोग उसका पूरा रिसर्च करते, इट्स नॉट लाइक हमको बोल दिया और हम लोग उस पर भागना शुरू कर दिया, वी लाइक प्रॉपरली चेक क्या है कौन है एंड देन वी फाइल कंप्लेंट। अभी ऐसा है कि अगर कोई बोलता है हिंदू धर्म के बारे में तो उसके अगेंस्ट 30-40 कंप्लेंट हो जाएगी, अगर कोई इंडिया या इंडियन आर्मी की अपमान करता है तो उसके बारे में हम लोग 30-40 कंप्लेंट हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो इट इज लाइक सीरियसली इट इज वर्किंग। जैसे ये सारे 2% के कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, खुद को कॉमेडियन बोलते थे, उनको कॉमेडी तो करना आता नहीं, जोक्स उनके पास नहीं होते, उनके जोक क्या होते हिंदू धर्म में, उनके जोक क्या होते शिवाजी महाराज पे, उनके जोक किस पे होते गणपति बप्पा पे, शिव जी पे,
देवी देवताओं पे उनके जोक्स होते हैं, सीता माता पे जोक होते हैं, द्रौपदी पे जोक, उनके जोक ही हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के इस गिर्द घूमते, बाकी उनको कोई दिखता ही नहीं है। खुलेआम बोलते कि नहीं नहीं हम लोग इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको मरना नहीं है, हम लोग अगर कृषि अगर एक जोक मारा था AIIB ऑल इंडिया बकचोदी वालों ने क्रिश्चियन के बारे में, उनको जाके माफी मांगनी पड़ी थी, पर्सनली जाके माफी डिलीट कर देना पड़ा। तो ये दो कौड़ी के कॉमेडियन इनको खाली हमारे धर्म के दिख रहे, फिर हम लोग ने उनके जो वीडियो से वो लेके कंप्लेन करना शुरू कर दिया, 6-7 जन ट्विटर छोड़ के भाग गए, अकाउंट डिलीट कर दिए। बट एक चीज है कि कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, ओके कंप्लेन्स डिले हो रही है या फाइलिंग डिले हो रही है, FIR होने में डिले हो रही है, अरेस्ट होने में डिले हो रही है, मगर होगी जरूर। इतना तो मैं बोलता हूँ कि अभी जैसे पहले जैसे नहीं चलने देंगे कि आप लोग आके वो घंटा है घंटा बजा दो, वैसे नहीं चलने देंगे हम लोग। मैंने एक सीधे से प्यार से बोलता हूँ सबको, आप लोग सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे आपको, वो भी लीगली। मैं लीगली पीछे लिखता ही हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि मालूम है कि ये लोग जाके मेरे नाम पे कंप्लेन कर देंगे कि ये हमको धमकी दे रहा है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सुधर जाओ वरना लीगली सुधार देंगे आपको। मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा है, मुझे कानून पे भरोसा है और मुझे कोर्ट पे भी भरोसा है, मुझे भारत की सरकार पे भरोसा है। दूसरी चीज, वी हैव द बेस्टेस्ट लीडर्स इंडिया में आज की फ्रॉम 1947 अभी, वी हैव द बेस्टेस्ट लीडर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, उन पे मुझे पूरा भरोसा है और कानूनी कार्रवाई पे भी पूरा भरोसा है। तो हम लोग लीगली जो भी कर रहे हैं वो लीगली कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपांड और वी आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, दैट इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। और हिंदू आई टी सेल बहुत अच्छा करी, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया है। एक और पढ़ा था मैंने ट्विटर पे, शायद कानपुर IIT या दिल्ली IIT के कोई प्रोफेसर है, उन्होंने रिसर्च करी है 30 सालों की, उन्होंने रैंडम कुछ फॉर्मूला बनाया है, उसमें हैंड पिक नहीं किया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से उन्होंने रैंडमली फिल्म उठाई है बॉलीवुड की 30 ईयर्स की, और उसमें उन्होंने एक जानने की कोशिश किया है कि जो पिक्चर की स्टोरी है वो किस टाइप की है, विलन का नाम क्या है, विलन के रोल क्या है, जो अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है वो क्या है। तो ये पूरा एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये पूरा उनका बन रहा है। और अभी जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी चालू हो गई है हिंदू धर्म को लेके, वो खुलेआम है। तो वही रिसर्च के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, ओके नेटफ्लिक्स वगैरह है, उनके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी कंप्लेन किया, उनके ज्यादातर सीरियल देख लीजिए वो हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में, हिंदू लाइक जो भी रिचुअल है उसके, वो लोग हिंदुओं को टेररिस्ट साबित करने पे तुले हैं। आप मुझे एक किस्सा बता दीजिए जहां हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम किया है। आप भाई साहब, जब भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है तभी तो आप बोलते हो कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, मगर हिंदू ने कुछ किया ही नहीं है उसको आप पहले टेररिस्ट घोषित कर रहे हो, सैफरन टेरर, मतलब आपका उद्देश्य ही कुछ और ही है। सो दिस इज, मैंने उनके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट है ही और FIR भी होने वाली थी, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना वो थोड़ी डिले हो गई है ना। वो अभी आप 30-40 साल अभी बीच में पढ़ रहा था, आप जैसे भी पिक्चर्स देखते हैं, जैसे मुगले आजम है या जो भी ये जोधा अकबर है या जो भी पिक्चर्स आ रही है, वो मुगल्स को ग्लोरीफाई कर रही है, और मुगल्स थे कौन? चोर थे, इन्वेडर्स थे, उन लोग ने क्या किया आके? हमारे लोगों को मारा है, हजारों करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को मार दिया है, हमारा सब कुछ लूट के चले गए। जैसे हमारे सोमनाथ के मंदिर को 18-18 बार तोड़ दिया, 17-18 बार तोड़ दिया, पूरे 60,000 मंदिर तोड़े हिंदुस्तान में मुगलों ने, कितने लोगों को मारा है। आप जाके उनके बच्चों उनपे आपके बच्चों का नाम रख देते हो तैमूर, आप टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप जाके सबको ग्लोरीफाई कर रहे हो। ये ऋतिक रोशन जोधा अकबर में जाके आप ऋतिक रोशन को खड़ा कर देते हो, गुड लुकिंग अकबर, और वो जाके ए वाकत है, मो वाकत है, अकबर की हिस्ट्री देख लीजिए। आप शाहजहां का ताजमहल दिखा रहे हो, ओके वो भी लाइक डिबेटेबल टॉपिक है, कॉन्ट्रोवर्शियल के तेजो में आई एम नॉट गोइंग इन टू इट, मगर शाहजहां था क्या 14-15 बीवी वाला आदमी, ओके उसने और उसकी बीवी की मौत कैसे हुई, इतने सारे बच्चे जब पैदा हो रहे थे लास्ट में वो मर गए, प्यार था उसको, उसकी हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था कुछ, उसकी बेटी का रेप हो गया वगैरह, आई वाज लाइक सीरियसली ये दिस इज सिंबल ऑफ लव, मतलब व्हाट यू आर टीचिंग टू द पीपल। आप लोग खाली वो अंधे के जैसे खाना ही खिला रहे हो और पूरा गलत ही हिस्ट्री दिखा रहे हो, हिस्ट्री जो सच है वो दिखाओ ना, देन लेट पीपल डिसाइड। जैसे इन्वेडर्स आए, मुगल आए थे, कितने लोगों को मारे गए थे, कितने हिंदू मारे गए थे, और मुगल क्या उनके बाप की संपत्ति लेके आए थे इंडिया में,
इंडिया का लूट के इंडिया में कुछ बनाया है, दो चार ये लाल किला बनाया, तो ये लोग बोल रहे हम लोग मुगल ने ये कर दिया, मुगल ने इंडिया को सोने की, इंडिया सोने की चिड़िया ही थी, भारत सोने की चिड़िया थी, इसके लिए ये लोग आ रहे थे। भारत को रेगिस्तान नहीं था जहाँ लुटेरे आ रहे थे, वो मिट्टी क्या बोलते हैं रेगिस्तान की मिट्टी लेने, इधर सोना था, इंडिया सोने की चिड़िया थी और ये लूटने आए थे, उनको ग्लोरीफाई मत करिए। और 30-40 साल से वही हो रहा है, मगर अभी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड्स आर चेंजिंग। ओके, आप क्यों शिवाजी महाराज पे कोई ऐसी अच्छी मूवी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पे बना रहे हो, या कोई भी अभी अभी थोड़े थोड़े आ रहे मूवी महाराणा प्रताप पे नहीं आए, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनको ओरिजिनल हिस्ट्री बतानी नहीं है, उनको खाली ये जो चोर लुटेरे को ग्लोरीफाई करके हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है और हम लोग अंधे के जैसे वो पट्टी आंखों पे लेके उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग एंड इट शुड चेंज। इसमें एक मेरा जो इनपुट था उसका दूसरा पार्ट ये है कि जो आपका जो अप्रोच है लीगली जाने का इस चीज के ऊपर, वो काफी सुंदर बात है। और इसी लीगल प्रोसेस के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि हम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं तो वो पूरा का पूरा सिर्फ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। AR रहमान जैसा म्यूजिक डायरेक्टर को नाम पे फतवा आ गया क्योंकि उसने सिर्फ म्यूजिक देने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पिक्चर के अंदर, उस वक्त कोई भी इंडस्ट्री का बंदा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो हिंदू धर्म है उसके किसी भी तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं रिचुअल्स को, देवी देवताओं को, तो इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिल्म इंडस्ट्री शो बिजनेस को यूज करना है तो फिर सब लोग को करने दो, और अगर सेलेक्टिवली होना है तो फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जब गाना फिल्म इंडस्ट्री में जब आप सेक्सी राधा गाना बना रहे हो, या कृष्ण को हरामखोर बोल रहे हो, या काली माँ को पोर्ट्रे करते हो न्यूड, या भारत माता को जब न्यूड एंटरटेनमेंट या कुछ भी आप उसको क्रिएटिविटी में न्यूड पेंट करते हो, तो बाकी धर्म में भी है ना, आप उनको भी करिए ना। मगर इधर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बोल के कुछ भी बोलना है। ओके, मगर ऐसा तो नहीं ना कि मैं आपको लाफा मार दूं और बोल दूं ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, ये सेलेक्टिव फ्रीडम वो नहीं है ना, और स्पीच जो है सेलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट वर्क। ओके, और ऐसा कोई हमारी वो बोलते ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर समाज को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, सबको है, वी ऑल इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, तो ये नहीं चलना चाहिए ना। बट दी हियर पीपल आर लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल दिया कॉमेडियन, हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं। अरे दूसरे धर्म, चलो मैं तुमको चैलेंज मारता हूँ, बाकी धर्म का मजाक उड़ा के दिखाओ ना तुम। हम लोग तो लीगल कंप्लेंट करने की बात करें, मगर तुम लोग लीगली तुम्हारे फोटो पे माला चढ़ा देंगे वो लोग, वहां तो तुम्हारी फट जाती है, नाम लेने से फटती है तुम्हारी, मगर इधर तो कुछ भी बोलना है तुमको। क्योंकि बोले ना हिंदू टॉलरेंट है और सोया हुआ है, सोने दो। और हिंदू का एक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक खुद के घर पे नहीं आएगी, खुद पे नहीं आती, तब तक उनका कैसा कि ठीक है ना मेरे को क्या लेना देना, दिस लेना देना एटीट्यूड इज चेंजिंग नाउ। और अभी हिंदू जाग रहा है क्योंकि आत्मसम्मान भरा है, कूट कूट के भरा है, मगर वो खाली जागने की देरी थी। फ्रॉम 2014 से वो शुरुआत हो गई है और अभी कोई सहन नहीं होने वाला है। और हम लोग ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तलवार उठा लो और तोप लगा दो, लीगली लीगली जो भी है लीगली करिए, एंड लीगली उनको सबक सिखाओ, अच्छे से लीगली मार पड़ेगी तो अच्छा है, क्योंकि पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, कोर्ट भी है, और सजा भी होती है, व्हेन एवरीथिंग इज देयर, तो देयर इज नो नीड फॉर वायलेंस। शांति से करिए, थोड़ा डिले होता है ऑन द स्पॉट, वो बोलते हैं ना जस्टिस नहीं हो जाती, मगर जस्टिस जरूर होती है, खाली फॉलो अप करना चाहिए, एंड यू शुड बी डेडिकेटेड। राइट रमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी सारे जो पॉइंट्स जो हम लोगों ने उठाए वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनपुट्स लिए थे, उसके बाद ये लिस्ट तैयार करी थी। आई एम श्योर के काफी सारे लोगों के जो आपका शो देखेंगे, अभी लाइव देखा होगा और बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनके कुछ क्वेरीज रहेंगे, वो आंसर हुए होंगे। कोई स्पेशल मैसेज रहेगा आपके फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पे, तो प्लीज गो अहेड। मेरा एक ही मैसेज है कि लाइक ऐसा कोई काम मत करो जहाँ आपके समाज का, हमारे देश का नाम खराब हो। लेकिन इंडिया एक होके रहने के लिए और एक होके रही है, देयर शुडंट बी लाइक ये अभी जो हो रहा है महाराष्ट्र में, बहुत नाम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूथ को समझना चाहिए कि लाइक पार्टी पॉलिटिक्स ये सब तो आते जाता है, मगर जो सच है वो सच है,
और सच परेशान हो सकता है मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द पैथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपसे फिर मिलेंगे अगली बार जब कभी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार। नमस्कार।